हेलो नमस्कार सभी प्यारे भाई बहनों को मैं विवेक पांडे यूपी पी सी उत्कर्ष पर आप सभी का स्वागत करता हूं आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि आर ओ आर ओ की परीक्षा तिथि घोषित हो चुकी है इससे आप सभी अनविज्ञ नहीं हैं यह भी आप जानते हैं कि नॉर्मलाइजेशन लागू किया गया है उसके विषय में भी थोड़ी सी चर्चा होगी और चालीस दिन आपके पास बचे हैं जो विद्यार्थियों की सबसे बड़ी समस्या वो यही है कि मात्र इतने कम समय में हमको कैसे अपनी तैयारी को हम सुदृढ़ बनाए क्योंकि अभी तक तो हम कोर्स खत्म करने में लगे हुए थे तो अब हमको करना क्या चाहिए तो इसके लिए मैं आपसे दस मिनट के लिए मुखातिब होने आया हुआ क्या उचित स्ट्रैटी होनी चाहिए उसके बारे में मेरी आपसे बातचीत होगी थोड़ी देर तक। जरा गौर फरमाइएगा कि आप सभी को एक नोटिफिकेशन प्राप्त हुआ है पांच नवंबर को यानी कल के दिन और यह आपके विज्ञापन संख्या एक एक दो हजार चौबीस के उपलक्ष में आया हुआ है जो कि अधीनस्थ सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2024 के उपलक्ष्य में है और ये 19 छे दो हजार चौबीस के विहित निकाला गया है सभी जनपदों में केंद्र निर्धारण किया गया था और प्रेषित परीक्षा केंद्रों की संख्या और क्षमता अभ्यर्थियों की संख्या के सापेक्ष हर संभव प्रयास के बावजूद यथोचित मानक के अनुरूप उपलब्ध नहीं होने के दृष्टिगत प्रश्नगत परीक्षा मतलब अभी तक जो थी अभी तक जो डिले हुआ वो इसलिए हुआ क्योंकि उचित मानकानुसार विद्यालय सरकार को प्राप्त नहीं हो पा रहे थे आयोग को प्राप्त नहीं हो पा रहे थे इसलिए यह परीक्षा अब सात आठ दिसंबर 2024 को दो सत्रों में यानी प्रथम सत्र इसका होगा साढ़े नौ बजे से साढ़े ग्यारह बजे तक और दोपहर में ढाई से साढ़े चार तक यह कुल इकतालीस जनपदों में

का आधार नहीं होता तो मानक स्क्रीनिंग के उद्देश्य से इसको करवाया जाता है तो इस हेतु प्रदेश के समस्त जनपदों में जो शासनादेश दिनांक को निर्धारित मानकों के अनुरूप जारी हुआ था तो परीक्षा केंद्र उपलब्ध नहीं हो पा रहे थे तो एकाधिक दिवसों में यानी पालियों में कराए जाने का निर्णय लिया गया है मतलब एक से अधिक एकाधिक अर्थात एक धन अधिक बराबर एकाधिक तो एक से अधिक पालियों में इसको करवाया जाएगा यानी कि एक दिन से अधिक का समय लेकर के इस परीक्षा को कराया जाएगा परीक्षा की तिथि 22 दिसंबर घोषित की गई थी जो कि एक दिन से अधिक होने पर 23 दिसंबर को भी करवाई जाएगी यह तय किया गया है किसी एक विज्ञापन के सापेक्ष एकाधिक दिवसों या पालियों में आयोजित जाने वाली परीक्षा के मूल्यांकन प्रक्रिया के संबंध में विषय की वस्तु समीक्षा करके अपनी अनुशंसा उपलब्ध कराने के लिए आयोग द्वारा लब्ध प्रतिष्ठित विशेषज्ञों की एक उच्च स्तरीय समिति गठित की गई है ऐसा ये बता रहे हैं देश के विभिन्न प्रतिष्ठित भर्ती परीक्षाओं में निकायों में आयोगों के द्वारा एक विज्ञापन के सापेक्ष एक, एक से अधिक दिवसों में परीक्षा कराई जाती रही है ऐसा ये बता रहे हैं जैसे कि एसएससी की परीक्षा हुई और बीते दिनों में यूपीपी की परीक्षा हुई ऐसे कई परीक्षाएं होती रही हैं भारत सरकार के अंतर्गत उत्तर प्रदेश सरकार के अंतर्गत तो फिर मूल्यांकन के लिए पूर्व में प्रचलित व्यवस्था और सिविल अपील संख्या दो सौ अट्ठासी ऑफ दो सौ दो हज़ार बाईस उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य बनाम अतुल कुमार द्विवेदी और अन्य पारित माध्यम मान्य उच्च न्यायालय के निर्णय में ये सारी चीज़ें घटित होती रही है, ये सब हुआ है मतलब वो केस के बारे में बता रहे हैं कि ऐसा ऐसा हो चुका है तो ये चीज़ें हम कर चुके हैं करते रहे हैं और बहुत सफलतम रूप से करते रहे हैं ऐसा इन्होंने है बताया है लेकिन विद्यार्थियों की सहमति इस पक्ष में कतई बनती नहीं है इन्होंने एक फॉर्मूला भी आजाद किया है पी आई जे यानी कि इसको परसेंटाइल स्कोर बोला जा रहा है जैसे कि पेट एग्जाम आप देते रहे होंगे आपने देखा होगा कि आपका एक स्कोर होता था उस स्कोर पर एक परसेंटाइल स्कोर जारी होता था जैसे फॉर एग्जाम्पल आप पाए हैं साठ नंबर लेकिन आपका परसेंटाइल स्कोर है सत्तानवे परसेंट पंचानवे परसेंट अट्ठानवे परसेंट एक परसेंटाइल स्कोर होगा इसी परसेंटाइल स्कोर के इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कैंडिडेट इन शिफ्ट यानी कि उस शिफ्ट में कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं यह देखा जाएगा उसको डिवाइड कर दिया जाएगा टोटल नंबर ऑफ अपियर कैंडिडेट से मतलब कितने बच्चे मतलब टोटल शिफ्ट में कितने बच्चे थे तो मान लीजिए चार लाख बच्चे थे लेकिन उसमें बैठे कितने तो तीन लाख सत्तर हज़ार ही उपस्थित हुए तीस लाख तीस हज़ार अनुपस्थित हो गए उसको मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा हंड्रेड से तो ये आप जो है इस प्रकार के फॉर्मूले के माध्यम से इसको समझ सकते हैं लेकिन विद्यार्थियों की सहमति इस पक्ष में नहीं बनती इस पक्ष में शाम को हमारे सभी उत्कर्ष के शिक्षकों के द्वारा एक कमेटी के माध्यम से बातचीत भी आप लोगों से की जाएगी क्या है कैसे है उस पर हमारी चर्चा होगी अब है। हिंदी को में मत लीजिए यह बात मैं इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि मैं आपको हिंदी विषय पढ़ाता हूं बिल्कुल नहीं मैं आपको विषय कोई भी पढ़ाता रहूं लेकिन मैं बात यही कहूंगा क्योंकि आरो के लिए अगर मैं ए और आर की बात करूँ तो ये तय मान के चलिए कि चयनित विद्यार्थियों की पहली पसंद और उनके द्वारा बताए गए तरीक़ों में यह सबसे पहली और ज़रूरी बात होती है कि अगर मैं हिंदी विषय में 60 प्रश्न आपके प्री एग्ज़ामिनेशन में आते हैं अगर मैं इन 60 प्रश्नों में से सत्तावन से 60 के बीच में रहा तो मैं ये मान के चलता हूं कि मैंने बाजी को 40 प्रतिशत जीत लिया है या यूं समझिए कि कुल जमा जो आपका रिजल्ट है जो आपका परिणाम है जो आपका परिणाम है वो परिणाम 60 से पैंसठ प्रतिशत माफी चाहूंगा 60 से पैंसठ प्रतिशत कुल आपका जो कट ऑफ मार्क्स होता है ये जो कट ऑफ मार्क्स है ये इसी के आसपास होता है तो 60 से पैंसठ प्रतिशत यानी कि जो विद्यार्थी अभी अपना कोर्स कंप्लीट नहीं कर पाए थे देखिए हमारे संस्थान में तो कोर्स बहुत इजीली कंप्लीट कराया जाता है बहुत बेहतर तरीके से कराया जाता है लेकिन अभी भी जो भी विद्यार्थी कोर्स कंप्लीट नहीं किए हैं वो बहुत तनाव मत लीजिए अब ये कोर्स कंप्लीट करने का वक्त भी नहीं है मेरे भाई बाबू एक बात समझिए कि आप अभी जिस स्टेज पर आ चुके हैं ये स्टेज अभ्यास का स्टेज होता है यहाँ पर अब आपको अभ्यास की जरूरत पड़ती है न कि अब आप किसी कोर्स को कंप्लीट करने की लड़ाई लड़िए अब आप इस समय क्या करिए कि आपने कोर्स को जहां तक कंप्लीट किया है रहने दीजिए और 30 दिवस तक तीस दिनों तक आप क्या करिए थर्टी डेज तक अभी आप ये प्रयास करिए कि अपने कोर्स को रिवाइज कर लीजिए क्या करिए कोर्स को रिवाइज़ करते रहिए क्योंकि पढ़ी हुई चीज़ें भूलने का भी बहुत स्कोप होता है तो आप अभी अभ्यास में रहिए कि आप अपने कोर्स को रिवाइज़ भी कर पाएँ ये बड़ा ज़रूरी है साथ ही साथ आपको मैं एक तरीका सुझाता हूं ये तरीका उम्मीदा आपके लिए बड़ा कारगर भी साबित होगा देखिए आप अपने पूरे के पूरे सिलेबस और अपने टाइम ऑफ स्टडी को जैसे मान लीजिए कि आप स्टडी टाइम आपका कितना है मान लीजिए कि आप आठ घंटा पढ़ते हैं तो इसको आप डिवाइड कर दीजिए ट्रिपल एस फार्मूला मैं आपको बता रहा हूँ ये मैंने ऑफलाइन कक्षाओं में भी आप सभी से डिस्कस किया ही है आप लोगों को भी बताना चाहूँगा कि जैसे आप अपने वीक सब्जेक्ट यानी वीक आ, स्ट्रेंथ पॉइंट्स को इस देख लीजिए कि वो कौन कौन से हैं आप अपने स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट्स को देख लीजिए जैसे मान लीजिए किसी बच्चे की पसंद हो सकती है कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल उसको इकोनॉमिक्स वीक लगती है लेकिन उसके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स में पॉलिटी आता हो मान लीजिए किसी बच्चे के लिए करेंट अफेयर एक वीक पॉइंट हो कि भैया हम पढ़ते तो हैं हमको समझ में भी आता है लेकिन हमको याद ही नहीं रहता हम जानते ही नहीं इस मुद्दे के बारे में तो वो हो सकता है उसके लिए वीक पॉइंट हो किसी बच्चे के लिए संभव है कि करंट अफेयर एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट हो तो ये सबके लिए अलग अलग होगा ये मैं डिसाइड नहीं कर सकता कि आपका वीक पॉइंट क्या है आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है ये आप तय करिए ये आप पर निर्भर है मैं बस आपको एक तरीका सुझा रहा हूं कि आप अपने इस पूरे सिस्टम को वीक स्ट्रेंथ और जो है आपका जो स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ पॉइंट है उस पर आप देख करके एक बार इसका एक खाका तैयार कर लीजिए और करिए क्या कि अपने कुल पढ़ने के समय का जो सिक्सटी परसेंट है वो वीक पॉइंट्स पर लगा दीजिए और जो चालीस परसेंट आपका समय है वो पूरा का पूरा आप स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स पर लगा दीजिए इसके साथ ही साथ आप अपने पढ़ने के समय को प्लस टू करिए इसको बढ़ाने का प्रयास करिए और इसको बढ़ा करके इस पूरे समय को अभ्यास पर लगा दीजिए क्योंकि बिना अभ्यास के मान लीजिए कि आपने तिरंदाजी बहुत अच्छी सीख लिया है लेकिन आप नित अभ्यास नहीं करते तो वो तिरंदाजी आपकी सही वक्त पर काम नहीं आएगी यानी कि प्राप्त किया हुआ ज्ञान यदि अभ्यास रहित हो जाए तो सफलता मिलने की संभावना अल्प हो जाती है इसलिए बहुत आवश्यक है कि आप उसको अभ्यास के माध्यम से साधने का प्रयास भी करिए तो आपको क्या करना चाहिए कि इन सब पर लगातार अभ्यास जारी रखना चाहिए और एक बात मैं और आपसे कहना चाहूंगा कि प्रश्न पत्र को आप अभी से अपने अभ्यास का हिस्सा मान लीजिए क्योंकि आपको पता है कि जो आर ओ आर ओ का एग्जाम होगा मेरे प्यारे साथियों वो आपका किस प्रकार से होने जा रहा है वो होने जा रहा है एक साथ यानी कि कंप्लीट थ्री आवर्स का आपको टाइम

ऐसा करेंगे तो आप निश्चित ही आप पाएंगे कि आपने 30 से 35 मिनट मात्र का समय दे करके अपना हिंदी का क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपके पचपन क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो आप इन पचपनों पर पहले गोला भर लीजिए अपना पहले इसको भर करके कंप्लीट कर लीजिए फिर उसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए कि पच्चीस पच्चीस के स्लॉट में पच्चीस 25, 25 के स्लॉट में जीएस को भी उल्टा सॉल्व करते चले जाइए क्योंकि ऐसा दिक्कत देखा गया है कि विद्यार्थियों ने पेपर पर टिकमार्क तो कर लिया है उत्तरों के लिए लेकिन अभी भी वो सही गोला नहीं भर पाए हैं और लास्ट में जब आप ये सोचेंगे कि मैं एकदम लास्ट में भरूंगा तो उस जल्दीबाजी के चक्कर में आप बहुत बड़ी भूल कर जाते हैं इसलिए मेरी आपसे विनती होगी कि आप इन नियमों का अभ्यास करते रहिए प्रतिदिन आप सभी के लिए हमारे उत्कर्ष पर क्या किया गया है कि रेगुलरली आपके लिए अभ्यास सीरीज चलाई जा रही है जैसे कि एक बजकर पंद्रह लाइव आता हूं अभ्यास सीरीज लेकर के ऐसे ही अन्य सभी शिक्षक हमारे जो यूपी पीसी उत्कर्ष की जो टीम है वो सभी शिक्षकों की बेहतरीन टीम के माध्यम से आप पाते हैं कि सभी लोग अपने अपने विषय का अभ्यास माला लेकर के यूट्यूब पर भी उपस्थित हो रहे हैं और साथ ही साथ अगर इसी बीच आप में से कोई भी विद्यार्थी ऐसा है जो चाहता है कि सर मैं तो बहुत आलसी टाइप का हूं हाँ बहुत बच्चे होते हैं जो आलसी होते हैं जो रोक नहीं पाते खुद को अपने आप इधर उधर के कारण तो वो कम से कम आप चाहें तो हमारे लिए आप आपके लिए हमारे पास जो है आज अंतिम दिन है जिसमें आपके लिए लगभग लगभग नब्बे का डिस्काउंट चल रहा है अर्जुन बैच हमारे यहाँ एक तो चलता है अगर आप फाउंडेशन के तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो यूपी पी फाउंडेशन टाइप का एक बैच है जो कि लाइव फ्रॉम स्टूडियो चलता है पाँच छः घंटे की रेगुलर क्लास मिलती है स्टैंडर्ड चार हज़ार रुपये में और इसका जो प्राइम मेंबरशिप है वो नाइन थाउजेंड रुपीज़ में आपको इस समय मिल रहा है जो जिसकी फीस तिरालीस हज़ार रुपये है और बीस हज़ार रुपये है ये बहुत जानदार आपको डिस्काउंट मिल रहा है इसके लिए आप इनरोल कर सकते हैं दिवाली का ट्रिपल धमाका ऑफर था इस समय छठ के पर्व के तौर पर इसको बढ़ाया गया है साथ ही साथ आपको बता दें यू पी पी और आर ओ आर ओ का फाउंडेशन बैच आप ले

तो उनके लिए भी कोई मनाही नहीं है साथ ही बीईओ का एग्जाम हो गया जो लोअर पीसीएस का एग्जाम हो गया और आपका जो यूपीएससी यूपीपीएससी आप आगे देना चाहते हैं पीएससी का एग्जाम देना चाहते हैं तो अभी ज्वाइन कर सकते हैं बहुत से ऐसे बच्चे भी हमारे क्लासेस में हैं जो नेक्स्ट आर ओ आर ओ के लिए अभी से पढ़ रहे हैं अभी नए हैं अभी तैयारी की स्टेज उनकी स्टार्ट हुई है वो बच्चे भी इसको परचेज कर सकते हैं ले सकते हैं और साथ ही साथ जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हमारे पास एक बहुत ही शानदार चीज़ है जो कि यू पी का और आर ओ का टेस्ट सीरीज़ है जी हाँ ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आप अपनी तैयारी को परखें जांचें कैसे तो आप इसकी जांच करने के लिए हमारे पास ये जो बैच है इससे जुड़ सकते हैं ये बैच 20 अक्टूबर से शुरू हुआ है 2024 से इसमें आप कर सकते हैं ट्रिपल धमाका ऑफर है मात्र पांच सौ रुपए में आप ये ऑनलाइन माध्यम से इतना ज्यादा छूट है आपको कंप्लीट अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बना के दिए जाएंगे जिसको आप घर पे बैठ करके मानक के समय के अनुसार मानक समय के अनुसार सॉल्व कर सकते हैं साथ ही साथ प्यारे विद्यार्थियों ये जो सबसे ज्यादा जरूरी है एमसीक्यू टू पॉइंट ओ बैच आपके लिए है प्यारे विद्यार्थियों जो भी बच्चा अभ्यास करना चाहता है अपनी तैयारी को सुदृढ़ बनाना चाहता है उसके लिए ये लाइट फ्रॉम स्टूडियो क्लासरूम जिसमें मात्र और मात्र पंद्रह सौ रुपए मात्र में ये बैच आपकी है बाईस अक्टूबर से ये भी शुरू हुई है इसमें मान के चलिए कुछ मोटा मोटी आठ दस कक्षाएं चल चुकी हैं है ना क्योंकि बीच में दिवाली की छुट्टियां थी तो अभी आप चाहें तो इस बैच से जुड़ें निश्चित तौर पर आपको जुड़ना ही चाहिए आपकी अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए तो ये उत्कर्ष के दिवाली का ट्रिपल धमाका ऑफर है जिसमें से आज ये अंतिम जो है अवसर है आपके पास हमसे जुड़ने का और इस तैयारी के माध्यम से बहुत सारे बच्चे कमेंट करेंगे कि पिछले बार के एमसीक्यू बैच में से हमारे यहाँ से बहुत सारे जीएस और हिंदी के क्वेश्चन फंसे थे हिंदी में लगभग लगभग छप्पन प्रश्न केवल एक मैराथन और एमसीक्यू बैच से फंसे थे सोचिए कितनी बड़ी बात है तो आप चाहें तो जुड़ सकते हैं आपका स्वागत है अगर आप खुद से पढ़ सकते हैं तो भी आपका स्वागत है उत्कर्ष परिवार हमेशा आपके साथ है हम YouTube पर आपके साथ लगे रहते हैं अक्सर तो ये तैयारी का जो छोटा सा एक पॉइंट ऑफ व्यू था जो मैं आपको बता सकता था मेरे विषय के अंतर्गत आता था इस पर मैंने चर्चा किया है बाकी और भी हम आपके साथ जुड़े रहेंगे नॉर्मलाइजेशन के बिंदु पर अभी हम से उत्कर्ष पर सभी शिक्षक लाइव आएंगे जरूर जुड़िएगा जोड़ना मत भूलिएगा तो राम राम दुआ सलाम जय हिंद जय हिंदी